हेलो स्टूडेंट आज हम आपको संस्कृत ग्रामर में टॉपिक पढ़ाएंगे अव्यम अव्य शब्द कहते किसे है। हमारी संस्कृत भाषा में दो प्रकार के शब्द होते हैं पहला विकारी ये दूसरा अविकारी वे शब्द जो विभक्ति प्रत्यय उपसर्ग आदि को लगाने पर अपने रूप में परिवर्तन कर देते हैं वे विकारी कहलाते हैं अर्थात जो अपने रूप को बदल देते हैं, जिसके रूप में परिवर्तन हो जाता है वे विकारी कहलाते हैं। लेकिन जो शब्द कभी बदलते नहीं है किसी भी स्थिति में नहीं बदलते वे आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय शब्द कहते हैं अविकारी शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं अर्थात जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे आपके अव्यय शब्द कहलाते हैं अव्यय शब्द की परिभाषा सदसम त्रिशु लिंगेशु सर्वासु सही भक्तिशु वचनेसु च सर्वेशु यन व्यद जो तीनों लिंगो तीनो तीन तीनो लिंगों में सभी भक्तियों में और तीनों वचनों में तीन वचन होते एक वचन दिवचन बहुवचन जो तीनों लिंगों में सभी भक्तियों में और तीनों वचनों में एक समान रहते हैं कभी परिवर्तित नहीं होते वे आपके अव्यय कहलाते हैं क्या कहलाते किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते वे आपके लाते हैं आपके अव्यय हम देखेंगे हमारे बुक में जो जो अव्यय शब्द है उनका हम अध्ययन करेंगे पहला है अपी अपी का अर्थ होता है भी अपी का अर्थ क्या होता है भी लेकिन जब अपी किसी सेंटेंस के शुरू में आता है ना तो प्रश्नवाचक बन जाता है क्या बन जाता है प्रश्नवाचक अपी का अर्थ होता है भी दूसरा अतिरिक्त के लिए भी अपी का प्रयोग किया जाता है या फिर किसी सेंटेंस के प्रारंभ में यदि अपी लगा देते हैं तो क्वेश्चन वाचक बन जाता है यानी क्या इसका एक उदाहरण है अहम अपी ग्रामम गच्छामी मैं भी गांव जाता हूं अहम अपी ग्रामम गच्छामी मैं भी गांव जाता हूं दूसरा है इति कार होता है ऐसा या फिर क्योंकि ऐसा या फिर क्योंकि उपसंहार में भी इति शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रतिपारित शब्द होता है किसी शब्द के आगे भी संज्ञा शब्द के आगे भी संज्ञा शब्द को दर्शाने के लिए भी प्रति इति शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे कि पुराण न साधु सर्वम पुराणों में ऐसा कहा गया है कि सज्जन लोग सभी जगह नहीं होते तीसरा है इव अर्थ होता है समान युविका अर्थ क्या होता है समान ये उपमा के अर्थ में आता है नहीं कि किसी की तुलना करने के अर्थ में आता है फोर्थ हमारा है उच्चे उच्चे का अर्थ होता है ऊंचा या जोर से ऊंचा या जोर से दो अर्थ निकलते हैं ऊंचे के ऊंचा भी बोल सकते हो जोर से भी बोल सकते हैं ऊंचे पर्वता संति यानी पर्वत ऊंचे ऊंचे है और यहाँ पर आया सह गाय के उच्च सह के उच्च गायती गाय वह गायक के इसलिए जोर से गाता है ऊंचा गाता है तो उच्चे के दो अर्थ है ऊंचा भी होता है और जोर से भी होता है नूनम नूनम करता है निश्चय ही नूनम का क्या अर्थ है निश्चय ही या असंदिग्ध रूप में जैसे कि नूनम से सत्यम बती वह हमेशा सत्य बोलता है वह हमेशा सत्य बोलता है नूनम है, है निश्चय ही तो निश्चय ही हमेशा सत्य बोलता है पूरा पूरा कर्त प्राचीन काल में या पहले पूरा कर्त पहले बोल दीजिए पहले पूरा पुत्र नगरे नंद नाम राजा आसीद पहले पुत्र नगर में नंद नाम का राजा था पहले पुरा पहले प्राचीन काल में पूरा पहले पाटली पुत्र नगर में नंद नाम का राजा था तो पूरा कर्त हो गया पहले मायनी मना करना मायानी मना करना किसी चीज के लिए मना करना रोकना निषेध सहसा सहसा करते अचानक अच्छा सहसा के दो अर्थ होते ये आपके बोत आता है सुखिया तो बोल आता है सहसा के दो अर्थ होते अचानक भी होता है बिना विचार किए भी होता है अचानक भी होता है बिना विचार किए होता है मोस्ट पॉइंट है सहसा तो इसका अर्थ है बिना विचार की या फिर अचानक सहसा विधित्य नए क्रियाम ये सुक्ति है कि बिना विचार किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर सहसा कर तो गया बिना विचार किए अकस्मतनी अचानक अतिथि सहसा एव ग्रह आगच्छत अतिथि अचानक की घर आ गए यहाँ सहसा का अर्थ होगा अचानक बही का अर्थ होता है बाहर इसे पंची व्यक्ति का प्रयोग होता है जहाँ भी बही वर्ड आता है ग्रामाद बही उद्यान मस्ती गाँव के बाहर बगीचा है शनि शनि अर्थ है धीरे धीरे शैव शनि शनि चलती वह धीरे चलता है कदा कदा कर तुरा कब कदा यानी कब किस समय तो सह कदा विद्यालय गस्ती वह कब विद्यालय जाता है कदा कदा का अर्थ होता है कब सह कदा विद्यालय गस्ती वह कब विद्यालय जाता है कुते कुते यानी कहाँ से जहाँ भी कुते वड़ाएगा वहां वहाँ आपको पंचमी व्यक्ति लगानी है कुते कहां से कुते तो योगी ये योगी कहाँ से आया है इतस्तत इधर उधर मतलब इधर उधर बाले इत कु ने प्राप्त बनते बच्चा इधर तो घूमा लेकिन उसे कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ अत्र अत्र यानी यहाँ अत्र न्यूसति वह यहाँ रहता है तत्र तत्र यानी स जयपुर पढ़ती वह जयपुर में पढ़ता है तत्र एवं और वहीं पर रहता है वह जयपुर में पढ़ता और वहीं पर रहता है हो गया वहाँ इदानीम का इदानीम करता है इस समय इदानीम अधुना संप्रति ये सभी आपस में एक दूसरे के पर्याय है अब या इस समय वर्तमान काल लिए आता है इदानीम अब या इस समय दयाले इदानीम क्रीडति दयाल इस समय खेल रहा है संप्रति सम्प्रति करती होता है अब इस समय ये सब आपस में पर्याय है, है इदानीम संप्रति अधुना यदा यदयानिकब यदयानिकब यदा सूर्योदय होती जब सूर्य उदय होता है सह पाठम पढ़ती वह पाठ पढ़ता है कदा कदा पहले आ चुका है इसलिए हमने इसके स्थान पर लिख दिया तदा करता है तब तदा यानी तब तो हम इसी को बना सकते हैं यदा सूर्य उदयती जब सूर्य उदय होता है तदा सह पाठम पढ़ती तब वह पाठ पढ़ता है यथा यानी जिस प्रकार से सह यथावत्ती वह जैसा बोलता है तथा क्रोती वैसा ही करता है वह जैसा बोलता है वैसा ही करता है तथा यानी उसी प्रकार सार्यम करो वह वैसा ही कार्य करता है बिना बिना करता है बिना किसी के अभाव में इसमें द्वितीय तृतीय पंचमी आप कोई सी भक्ति लगा सकते हो दो तीन पांच या द्वितिया लगाइए तृतीय लगाइए या फिर पंचमी लगाइए ज्ञानम बिना न मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है स्व स्व होता है आने वाला कल मोस्ट ये भी स्व एक स्व एक है दोनों का अंतर है स्वता है आने वाला कल जबकि है होता है बीतावा कल है यानी हुआ कल स्व यानी आने वाला कल अहम स्व जयपुरम गमी मैं कल जयपुर जाऊंगा है यानी हुआ कल अहम है भरतपुरम अगच्छम जबकि मैं कल भरतपुर गया जहां पे है आएगा वो बीता हुआ कल होता है और स्व होता है आने वाला कल इन दोनों में बहुत डिफरेंट है स्व फ्यूचर भविष्य जबकि है भूतकाल दोनों का अर्थ होता कल ही है लेकिन स्व आता है भविष्य काल के लिए जाऊंगा गागेगी में अर्थ में और है आता है भूतकाल काल में जो काम हम पहले कर चुके हैं अदुना अदूना यानी इस समय ये बताया था थोड़ी देर पहले कि अधुना इदानी संप्रति ये सब आपस में एक दूसरे के पर्याय वाची है इन सब का अर्थ होता है अब या इस समय अधुना बाला पठंती इस समय बालक पढ़ते हैं कदापि यानी है कभी भी कदापि अधर्म न आचरेत कदापि अधर्मम न ने कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए किम यानी होता है क्या यत यानी की यानी की या फिर क्यों की यावत यावत यानी जितना यावत यानी जितना और तावत यानी उतना यावत यानी जितना और तावत यानी उतना तो हमारे लिए आज के लिए इतना ही काफी है आप इसे अपने होमवर्क में कर लेना